हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ आपके लिए नागपुर स्पेशल सावजी ग्रेवी। इसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज, कटे हुए अदरक लहसुन, धनिया के बीज, शाहजीरा, खसखस, सौंफ, चावल, चने की दाल, मीरे, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, सूखा नारियल, लाल मिर्च, चक्रफूल, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक। सबसे पहले मसाला बिना तेल का भून लें। पैन हल्का गर्म हो तब खसखस भून ले। खसखस को भूनने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अब धनिया, शाहजीरा और सौंफ को भून ले। हल्का ब्राउन होने के बाद में आंच कम कर ले। चने की दाल और चावल को भी अच्छे से भून ले। अब बचा हुआ सारा खड़ा मसाला भी भून लें। इसमें आप थोड़ी सी तिल भी डाल सकते हैं। नारियल को भी फ्लेम के ऊपर अच्छे से भून लें। अब पैन में थोड़ा तेल डालें और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक के भून लें। ऐसा कलर आने तक के हमें प्याज को भूनना है। अब भुने हुए खड़े मसाले को थोड़े पानी में बॉईल कर लें। अब इसे छान लें। ऐसा करने से आपको मसालों से एसिडिटी की शिकायत नहीं होती है। खड़ा मसाला, भुना हुआ प्याज और नारियल का मिक्सर में अच्छे से पेस्ट बना लें। अदरक लहसुन को मैं खलबत्ते में पीस लूंगी, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। अब एक बर्तन में 2 से 3 बड़े चम्मच हम तेल लेंगे। तेल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ग्रेवी अच्छी बनेगी। अब हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक और लहसुन का रॉ स्मेल जाने तक के उसे भून लेंगे। मसालों का पेस्ट डालेंगे। मसालों को तेल में ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने मसालों को अच्छे से भुना हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। यह आपकी बेसिक सावजी ग्रेवी बन चुकी है। मैंने इसमें कटहल फ्राई करके डाला है। नॉनवेज लवर्स कैन ऐड चिकन और मटन। कटहल को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लें और उसे पकने के लिए छोड़ दें। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। जितनी आपको ग्रेवी बनाना है उसके हिसाब से हम उसमें पानी डाल सकते हैं। जैसे जैसे आपकी ग्रेवी पकेगी वैसे वैसे तेल छूटते जाएगा। थोड़ा थोड़ा तेल छूटने लगा है। कटहल की स्पाइसी सावजी ग्रेवी इज नाउ रेडी टू सर्व। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए, अपने सावजी लवर्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।